नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 10 के दम सीरीज में। दोस्तों आपको पता है सीरीज का मकसद यही है दोस्तों कि कैसे आपके नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए, कैसे आपको और बेटर बनाया जाए, तो इस सीरीज का यही मकसद है। दोस्तों बात करते हैं, अगर दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बात करें स्पेशली अगर बात करें दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली दोस्तों UP SSSC का, रेलवे का, या तो आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों UP SSSC पेट का, या आप दोस्तों बात करें आप तैयारी कर रहे हो रेलवे का, RRB का, या दोस्तों SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी अगर मतलब कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी अगर आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है दोस्तों अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक ही सीरीज में दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं, जैसे आपका इतिहास हो गया इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपका जो जियोग्राफी हो गया इसको डिस्कस करते हैं, मतलब एक ही क्लास में दोस्तों हम हर सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल को हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले हम अपनी क्लास को अगर शुरू करें दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये है कि जो पपेटी त्यौहार है दोस्तों, कौन सा त्यौहार, पपेटी त्यौहार, यह किस समुदाय से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों जो पपेटी त्यौहार है दोस्तों यह सिख समुदाय से संबंधित है, किससे, यह जो दोस्तों सिख समुदाय से क्या है यह आपका पारसी समुदाय से क्या है संबंधित है, ठीक है। तो जो पपेटी त्यौहार दोस्तों आपका पारसी समुदाय से क्या है संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण त्यौहार हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, महत्वपूर्ण पर्व हैं, ये किस राज्य से संबंधित हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, आपका पता है दोस्तों ये आपका जो मिस यहाँ पर प्रिंट है दोस्तों, ये आपका क्या है हार्नबिल जो महोत्सव दोस्तों, यानी हार्नबिल, ठीक है, हार्नबिल जो महोत्सव दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों यह संबंधित है नागालैंड से, किससे है, नागालैंड से संबंधित है, कौन सा, हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। धानु यात्रा और नुआखाई दोस्तों यह संबंधित है दोस्तों आपके उड़ीसा से, याद रखिएगा जो धानु यात्रा है और नुआखाई है दोस्तों यह किस संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई जो दोस्तों क्या है, ये जब फसल का मतलब होता है तैयार होता है दोस्तों तो उस समय ये त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है दोस्तों, तो जो जल्लीकट्टू है दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यह इसमें क्या होता है दोस्तों साढ़ों को लड़ाया जाता है ना, मतलब साढ़ों को लड़ाया जाता है दोस्तों, इसमें साढ़ के जो होते हैं दोस्तों उनके ऊपर सिक्के की पोटली बांध करके उसको निकाला जाता है दोस्तों, है ना, तो ये जल्लीकट्टू त्यौहार है, ठीक है। बात करें दोस्तों जो लॉर्ड हरोबा है दोस्तों, ये हसोबा नहीं है दोस्तों, लॉर्ड हरोबा त्यौहार है, ठीक है। तो लॉर्ड हरोबा एक किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो यह संबंधित है दोस्तों मणिपुर से, किससे, मणिपुर से यह संबंधित है, ठीक है। पोंगल, तो देखिए दोस्तों पोंगल, एक पोंगल है और एक क्या है, अटुकल पोंगल है, तो अगर आपसे सिर्फ पोंगल पूछे तो यह भी कहाँ से है, तमिलनाडु से ही है, ठीक है, यह भी क्या है, तमिलनाडु से ही ये भी संबंधित है। अगर बात करें तो अटुकल पोंगल तो यह केरल से है, ठीक है, अटुकल पोंगल तो कहाँ से होगा, केरल से। यहाँ पर दोस्तों ये जो है दोस्तों यही है क्या है, अटुकल पोंगल है दोस्तों, है ना, तो इसे आप थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, अटुकल पोंगल है और ये कहाँ से है दोस्तों, केरल से, कहाँ से, केरल से, याद रखिएगा पोंगल अगर पूछे तो तमिलनाडु से है और अटुकल पोंगल पूछे तो केरल से है। यहाँ पर देखिए बिहू, तो बिहू कहाँ से है दोस्तों, बिहू का संबंध दोस्तों असम से है, कहाँ से है, असम से, ठीक है। ओणम का, तो ओणम दोस्तों केरल से ही है, कहाँ से है, केरल से ही है ओणम का संबंध, ठीक है, तो याद रखिए। और आप बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ भी थोड़ा मिस्ड प्रिंट है दोस्तों, ठीक है, ये आपका है क्या रियल में, ये आपका है नूहुनकहा पर्व दोस्तों, नूहुनकहा पर्व जो है ये पर्व किस राज्य से संबंधित है, ये जो पर्व है दोस्तों ये संबंधित है आपके किस,
ये संबंधित है आपके इजराइल से है दोस्तों। ये कहाँ का? इजराइल का है, ये पर्व है दोस्तों, नू हनुकाहा पर्व। और यह किसका पर्व दोस्तों? यह प्रकाश का पर्व है। किसका पर्व है? प्रकाश का ये पर्व होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो है आपका नमस्ते ओरछा महोत्सव दोस्तों, है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो जो नमस्ते ओरछा महोत्सव दोस्तों, यह मध्य प्रदेश से संबंधित। कहाँ से? मध्य प्रदेश से संबंधित है नमस्ते ओरछा महोत्सव, ठीक है। अगर बात करें कच्छ महोत्सव की, तो ये कच्छ महोत्सव आपको पता है दोस्तों, कच्छ का रण कहाँ पर है? जो कच्छ का रण है दोस्तों, गुजरात में है। जो कच्छ महोत्सव है वो कहाँ से है? गुजरात से संबंधित है। कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। खीर भवानी महोत्सव कहाँ से संबंधित है? जो खीर भवानी महोत्सव है दोस्तों, यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से है ये खीर भवानी महोत्सव, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बात करें यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ भी मिसप्रिंट है दोस्तों। ये चाप चार है। क्या है? चाप चार। क्या है? चाप चार कूट, ठीक है। चाप चार कूट जो है दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह मिजोरम से संबंधित। कहाँ से? मिजोरम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें अगर भोरम देव महोत्सव, तो ये भोरम देव जो महोत्सव है दोस्तों, ये आपके याद होना चाहिए दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये भोरम देव महोत्सव, ठीक है। छत्तीसगढ़ से आपका संबंधित है दोस्तों ये भोरम देव महोत्सव। लोसार त्यौहार कहाँ से दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो लोसार त्यौहार दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है आपका लोसार त्यौहार, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ गए होंगे, जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी महोत्सव हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ अगला जो अपना क्या है, ये जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, किसका है? ये साइंस का क्वेश्चन है। डिपोजिशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो ये डिपोजिशन होता है दोस्तों, ये क्या होता है? गैस का सीधे मुद्रा बनना, गैस का सीधे ठोस के लिए बनना, ठीक है, और ठोस का सीधे गैस बदलना, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, जो डिपोजिशन होता है, ये होता है अगर कोई गैस है ना, गैस, ये गैस द्रव में ना बदलकर सीधे कहाँ बदलती है? ठोस बदलती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, ठीक है। अगर गैस ठोस में ना बदल कर, द्रव में ना बदलकर सीधे कहाँ बदलती है? ठेस मतलब ठोस बदलती है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर संघनन की बात करें, ठीक है, संघनन की बात करें दोस्तों, तो संघनन क्या होता है? जब जो जलवाष्प होते हैं या द्रव में बदल जाते हैं दोस्तों, ऐसे कहें, जब गैस क्या होते हैं? द्रव बदलते हैं, तो उसे उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। और जब वाष्पन क्या दोस्तों? तो जब जो आपके जो जल मतलब द्रव है वो वाष्प में बदलता है, तो इसे हम इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं, ठीक है। तो जब द्रव वाष्प में बदले तो वाष्पन, और जब वाष्प द्रव बदले तो संघनन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन जो है दोस्तों, ये क्या है? ऊर्ध्वपातन नहीं है, ये ऊर्ध्वपातन है दोस्तों, है ना, कुछ इस तरह से होगा। ऊर्ध्वपातन की अगर बात करें, ऊर्ध्वपातन, तो ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों? अगर कोई ठोस है, ठीक है दोस्तों, वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में अगर आप कपूर को जलाएंगे दोस्तों, तो कपूर ठोस अवस्था में है और वह जलने के बाद सीधे गैस में बदल जाता है, यानी द्रव में नहीं बदल पाता है। तो यही क्रिया क्या है? मतलब क्या है? ऊर्ध्वपातन है, है ना। और जैसे आयोडीन हो गया दोस्तों, आयोडीन में भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि जो आपके अश्रव्य ध्वनि क्या है, श्रव्य ध्वनि क्या है, प्रसव्य ध्वनि क्या है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर डिस्कस करें दोस्तों कि ये आपके, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, अगर हम एक सेकेंड, ठीक है, अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों ध्वनि के बारे में। रियल में ध्वनि है क्या? तो ध्वनि एक क्या है दोस्तों? यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है। और यांत्रिक तरंगे में भी कौन सी तरंगे दोस्तों? तो जो यांत्रिक तरंगे में भी दोस्तों ध्वनि जो है ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है दोस्तों?
ध्वनि आपकी एक प्रकार की कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ध्वनि की बात करें तो ध्वनि कैसी तरंग है दोस्तों? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग में भी कौन सी तरंग है दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब बात समझते हैं कि ये यांत्रिक तरंग क्या है, और एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, देखिए अगर बात करें दोस्तों यांत्रिक तरंग की, कौन सी? यांत्रिक तरंग। ठीक है, और एक होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये दो तरह के तरंग होते हैं। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं दोस्तों जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है दोस्तों इस तरंग को, तो उसको चाहिए बीच में कोई माध्यम हो, ले जाने वाला हो। ठीक है, और अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें दोस्तों, तो यह वह तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल में अगर बात करें दोस्तों, तो यांत्रिक तरंगें हैं, जैसे ध्वनि की बात हम कर लेते हैं दोस्तों, है ना, ध्वनि। तो आप बताइए कि ध्वनि जो है इसको चलने के लिए ज़रूरी क्या है? माध्यम जरूरी है। अगर आपको किसी शीशे में पैक कर दिया जाए, यानी अगर कोई बंद गाड़ी है दोस्तों, तो उसमें से अगर कोई आवाज़ करता है तो वो आवाज़ आपके पास नहीं पहुंच पाती है। इसका रीज़न क्या है कि ध्वनि क्या है दोस्तों, आ जा नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए ना ही आपका आवाज़ अंदर जाता है और ना ही अंदर का आवाज़ बाहर आता है। ठीक है, तो मतलब इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर बात करें दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो इसको चलने के लिए माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर आता है दोस्तों, ठीक है, तो बीच रास्ते में कोई भी माध्यम नहीं है। तो याद रखिएगा प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जबकि जो ध्वनि होती है दोस्तों यह यांत्रिक तरंग होती है। और यांत्रिक तरंग में भी कौन सी तरंग दोस्तों? तो यह आपके अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या है दोस्तों? देखिए यांत्रिक तरंग दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक क्या अनुदैर्ध्य और एक क्या अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुदैर्ध्य क्या है दोस्तों? अनुदैर्ध्य का मतलब ये है कि अगर अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है दोस्तों, एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य का मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब जिसमें क्या होता है, जो तरंग के चलने की दिशा होती है, है ना, तरंग के चलने की दिशा होती है और जो आपके कंपन की दिशा होती है दोस्तों, दोनों एक दूसरे एक ही होता है, मतलब एक सम मतलब एक ही दिशा होती है दोस्तों। जो कंपन की दिशा है वही क्या है? तरंग के चलने की दिशा हो, तो ऐसे तरंग को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखें दोस्तों, तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, क्या है, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को आप ऐसे खींच करके छोड़ दें, तो आप खींच कर छोड़ेंगे दोस्तों, तो जो स्प्रिंग है कुछ इस तरह से आगे पीछे क्या होगा, मतलब आगे पीछे चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे पीछे, तो कहने का मतलब क्या है, स्प्रिंग जो है आगे पीछे ऐसे ही होगा, और जो तरंग है दोस्तों ये भी क्या होगा, आगे पीछे ही होगा। तो मतलब ये कौन सी तरंग है दोस्तों? ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो तरंग के चलने की दिशा कुछ और होगी और कंपन की दिशा उसके लंबवत होगी, तो ये क्या होता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। याद रखिएगा ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है। और आपसे पूछा कि यांत्रिक तरंग में भी कौन सी तरंग, तो ये होता है दोस्तों यांत्रिक तरंग में आपके अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ध्वनि है दोस्तों, ठीक है, जो आपका ध्वनि है दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा इसको इरेज, ठीक है, ओके, अब दोस्तों, ठीक है, ओ थोड़ा सा ठीक है, तो याद हो गया कि ध्वनि कैसी तरंग है दोस्तों। ध्वनि आपकी एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। पहले तो आप इसको याद रखेंगे यांत्रिक तरंग है, फिर यांत्रिक तरंग में भी पूछे कौन सी तरंग, तो ये होगा अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, अब फिर वही ओ गॉड, चलिए ठीक है दोस्तों। तो ये ध्वनि अगर बात करें तो कौन सी ध्वनि हमें सुनाई देती है और कौन सी ध्वनि हमें सुनाई देती है? देखिए जो अश्रव्य ध्वनि होती है दोस्तों, अश्रव्य ध्वनि, यह हमको नहीं सुनाई देती है दोस्तों, है ना, इसका जो आवृत्ति होता है ये बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यानी जो अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है दोस्तों
वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। और अवसरव ध्वनि मतलब इसकी आवृत्ति कहाँ से होती है, 20 हर्ट्ज से होता है, कहाँ से, 20 हर्ट्ज से दोस्तों कम होता है, ठीक है। तो जिस ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होता है उससे हम लोग बोलते हैं अवसरव ध्वनि, है ना। एग्जाम्पल में दोस्तों ये जो तरंगे निकलती हैं दोस्तों, है ना, जैसे भूकंप की जो तरंगे हैं दोस्तों, यह एक तरह के अवसरव ध्वनि होती हैं, और इनको जो सुन पाते हैं दोस्तों, जैसे बिल्ली हो गई दोस्तों, जैसे आपके कुत्ते हो गए दोस्तों, और ये ह्वेल मछली हो गई दोस्तों, ये अवसरव ध्वनियों को आराम से सुन पाते हैं। इसीलिए दोस्तों भूकंप आने की जो जानकारी है ये बिल्ली को बहुत ही पहले मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वह अवसरव ध्वनियों को सुन सकती है, ठीक है। यानी जब भूकंप आता है दोस्तों तो उससे पहले जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, अवसरव ध्वनि कहते हैं, और इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। श्रव्य ध्वनि जो हम सुन पाते हैं दोस्तों, हमारे कानों के लिए जो सुगमता सुनाई देता है दोस्तों, वह है उसकी अगर आवृत्ति की बात करें दोस्तों तो 20 हर्ट्ज से दोस्तों, है ना, 20 हर्ट्ज से दोस्तों क्या है, 20 किलो हर्ट्ज से, क्या है, 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है दोस्तों उसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और इसको हम आसानी से सुन सकते हैं। प्रसरव ध्वनि जो होता है क्या दोस्तों, जो प्रसरव ध्वनि होती है जिनका आवृत्ति क्या होता है 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होता है, अधिक होता है 20 किलो हर्ट्ज से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रसरव ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। अभी तो हो गए ध्वनि के बारे में दोस्तों, ध्वनि के बारे में और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे पूछता है कि ध्वनि जो है दोस्तों किस किस पर निर्भर करता है, यानी किस किस पर निर्भर करता है और किस किस पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं हम इसको भी, ठीक है, कि ध्वनि किस किस पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों ध्वनि की, तो ध्वनि जो है सबसे पहले बात करें दाब, क्या बात करें दोस्तों, दाब, तो जो ध्वनि होता है दोस्तों वह दाब पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यानी दाब बढ़ाने से या घटाने से जो ध्वनि की स्पीड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये आपके ताप पर, ठीक है, ताप पर, तो देखिए जैसे आप ताप बढ़ाएंगे दोस्तों ना, तो ध्वनि जो होती है वह उसकी वेग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ताप पर बढ़ाने पर वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों आर्द्रता पर, तो जो आर्द्रता मतलब होता है नमी, तो अगर नमी भी बढ़ता है दोस्तों तभी क्या होता है, तापमान, अगर नमी भी बढ़ती है तब भी क्या होता है दोस्तों, उसकी जो वेग है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, अगर आपके बरसात के मौसम में जो हम आवाज़ करते हैं दोस्तों, वह आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है दोस्तों, है ना, मतलब वो आवाज़ हमें बहुत तेज़ी से चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उस समय क्या था, आर्द्रता होती है दोस्तों, और आपको पता है आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ध्वनि का तरंग भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अगर वायु की गति बढ़ रही है दोस्तों, यानी हवा की गति बढ़ रही है, तो बिल्कुल बात सही है कि अगर आप जिधर से बोलना चाहते हैं उधर से हवा आ रहा है तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, यानी वायु की गति कर क्या होता है कि जो ध्वनि के वेग है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आवृत्ति की बात करें दोस्तों, तो आवृत्ति के बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आवृत्ति को बढ़ने या घटने से ध्वनि की क्या ध्वनि के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो ध्वनि है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया किस किस पर निर्भर करता है और किस किस पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि के बारे में इस बहुत सारी जानकारी है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, कभी भी कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मांड के अध्ययन, यहाँ पर अध्ययन है दोस्तों, है ना, या अध्ययन के लिए, अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, है ना, तो ब्रह्मांड के जो अध्ययन है इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जो ब्रह्मांड का अध्ययन है दोस्तों इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। अब आप कहेंगे दोस्तों ये पेट्रोलॉजी क्या है, तो इसमें आप पत्थर का अध्ययन करते हैं, किस पत्थर का अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी में। माइक्रोलॉजी क्या है दोस्तों, तो इसमें आप दोस्तों कवकों का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं किसमें, माइक्रोलॉजी में, ठीक है। एक कॉस्मोलॉजी, तो आपको पता है दोस्तों क्या है, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ये जो एपिग्राफ है दोस्तों ना, इसको इसमें हम क्या करते हैं, शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, किसका, शिलालेखों का अध्ययन करते हैं किसमें, एपिग्राफ में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखें दोस्तों, तो जो लिम्नोलॉजी है दोस्तों, लिम्नोलॉजी दोस्तों है जो, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें दोस्तों झीलों का अध्ययन किया जाता है, किसका, झीलों का, तो झीलों का अध्ययन किसमें करता है, लिम्नोलॉजी में किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर देखें तो जो पीडोलॉजी है, कौन है? पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी में क्या कहता है दोस्तों? तो पीडोलॉजी में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? भूमि का अध्ययन करते हैं दोस्तों, है ना, मिट्टी का अध्ययन करते हैं किसमें? पीडोलॉजी में, ठीक है। एंटोमोलॉजी मतलब इसमें आप कीटों का अध्ययन करते हैं, किसको? कीटों का अध्ययन करते हैं किसमें? एंटोमोलॉजी में। फाइकोलॉजी इसमें दोस्तों आप शैवालों का अध्ययन करते हैं, किसका? शैवालों का जो अध्ययन है दोस्तों एक किसमें हम लोग करते हैं? फाइकोलॉजी करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें तो क्या है, ओलोरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये ओलोरीकल्चर है दोस्तों, यह संबंधित है सब्जी उत्पादन से। किससे? सब्जी उत्पादन से संबंधित है क्या? ओलोरीकल्चर। सिस्मोग्राफ इसमें किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो जो भूकंप होता है दोस्तों, भूकंप का जब अध्ययन हम करते हैं तो किसमें करते हैं? सिस्मोग्राफ से करते हैं। सेरीकल्चर रेशम के जो कीट पालन होते हैं दोस्तों उनका जो मतलब अध्ययन करते हैं, जिसमें उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सेरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम के कीट पालन होते हैं दोस्तों उसमें क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। ये आपका दोस्तों कार्डियोलॉजी है, क्या है? कार्डियोलॉजी है। तो कार्डियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो हृदय से संबंधित दोस्तों, यानी हृदय के बारे में हम जानकारी जब लेते हैं दोस्तों तो उसके लिए हम कार्डियोलॉजी करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं पीसी कल्चर, तो ये मत्स्य उत्पालन से संबंधित दोस्तों। किससे? मत्स्य उत्पालन से संबंधित क्या? पीसी कल्चर, ठीक है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित दोस्तों पीसी कल्चर, ठीक है। बात करें दोस्तों विटीकल्चर, ठीक है, ये आपका याद नहीं आ रहा दोस्तों, मिस्टेक है क्या? विटीकल्चर की बात करें दोस्तों तो यह है अंगूर उत्पादन से संबंधित है क्या? विटीकल्चर। किससे? अंगूर उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा और बहुत ही आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में पढ़ने में। देखिए पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्व की ताजमहल की बात करें दोस्तों तो हुमायूं का जो मकबरा था दोस्तों, ठीक है, हुमायूं के मकबरों को हम क्या बोलते हैं? पूर्व का ताजमहल बोलते हैं, ठीक है। हुमायूं कौन था दोस्तों? तो जो अकबर का पिता था और बाबर का पुत्र था दोस्तों, हुमायूं था, ठीक है। और इसके मकबरों को हम क्या बोलेंगे? ताजमहल। मकबरा क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर अगर मरने के बाद जो राजा महाराजा थे दोस्तों, जहाँ पर दफनाए जाते थे, वहीं पर जो भी बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस मकबरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा कहाँ दोस्तों? तो जो दोस्तों जहांगीर का मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में है दोस्तों जहांगीर का मकबरा, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ दोस्तों? तो जो बाबर का मकबरा है दोस्तों ये आपका है, ठीक है। बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है? एक सेकंड दोस्तों, काबुल में है दोस्तों बाबर का मकबरा, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। बात करें दोस्तों अगर शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ दोस्तों? बाबर का क्या हो गया? काबुल हो गया। क्या हो गया? काबुल। ये बाबर की मकबरा है दोस्तों, है ना। और ये काबुल आपको पता है दोस्तों कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ दोस्तों? तो शेरशाह सूरी की मकबरा है दोस्तों, ठीक है, यह सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी की मकबरा, ठीक है। अकबर की मकबरा है कहाँ दोस्तों? तो जो अकबर की मकबरा की, तो यह जो मकबरा है दोस्तों, ठीक है, अकबर की अगर मकबरा की बात तो यह सिकंदराबाद। कहाँ पर है दोस्तों? सिकंदराबाद में है दोस्तों अकबर का मकबरा, ठीक है। अकबर का मकबरा है दोस्तों यह सिकंदराबाद, ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है दोस्तों? जो औरंगजेब है दोस्तों इसका मकबरा कहाँ है दोस्तों? एक तो आप इसको याद रखेंगे औरंगाबाद है दोस्तों, अगर औरंगाबाद नहीं देता है दोस्तों तो देता है दौलताबाद, याद रखिएगा। इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन दे दिया जाए, या तो औरंगाबाद या तो दौलताबाद, तो वही क्या होगा? सही होगा, जहां पर औरंगजेब का मकबरा है। बहादुर शाह का जफर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? जो बहादुर शाह जफर थे दोस्तों इसका मकबरा कहाँ है? रंगून में है। कहाँ पर? रंगून में। ये बहादुर शाह जफर का क्या है? मकबरा है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की समाधि, देखिए जिस तरह से उन लोगों को मुस्लिम कास्ट में मकबरा होता है दोस्तों, उसी तरह हिंदू कास्ट में दोस्तों समाधि स्थल होता है, ठीक है। तो बात करें दोस्तों जो अगर समाधि स्थल की, तो सबसे पहले हैं भीमराव अंबेडकर जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो यह दोस्तों चैत्र भूमि। कहाँ पर है? चैत्र भूमि जो है दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर की क्या है? समाधि स्थल है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह है विजय घाट। कहाँ पर है दोस्तों? विजय घाट पे है लाल बहादुर शास्त्री का मतलब
क्या बोलते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जो क्या है समाधि स्थल है वो कहाँ पर है दोस्तों, विजय घाट है। राजघाट का किसका दोस्तों, तो जो गांधी जी हैं दोस्तों इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, राजघाट में है। ठीक है, अभय घाट मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल दोस्तों वह कहाँ पर है, अभय घाट में है। ठीक है, शांतिवन किसका दोस्तों, तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जो समाधि स्थल है दोस्तों ये भी कहाँ पर है, ये है आपका सॉरी पंडित जी जवाहर शांतिवन दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों शांतिवन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है समाधि स्थल है। शक्ति स्थल कहाँ है दोस्तों, तो यह है इंदिरा गांधी की जो शक्ति समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल बोलते हैं। वीरभूमि दोस्तों राजीव गांधी की है ना, किसकी, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है दोस्तों वह क्या है, वीरभूमि है। ठीक है, तो ये बहुत सारे समाधि स्थल दोस्तों, किसान घाट की बात करें दोस्तों, जो किसान घाट समाधि स्थल है ठीक है, यह जो है दोस्तों चौधरी चरण सिंह का है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है दोस्तों कहाँ पर है, किसान घाट में, कहाँ पर है, किसान घाट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों महाप्राण घाट है ना, जो महाप्राण घाट है दोस्तों यह है आपके लिए है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या किया गया था दोस्तों, महाप्राण घाट जो है दोस्तों यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे किसान घाट किसके लिए है, सॉरी किसान घाट जो है दोस्तों यह चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, और जो महाप्राण घाट है दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समाधि स्थल दोस्तों जो आपको उम्मीद है कि आप इसको याद रखे होंगे या आपको ये याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं LIC के बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा LIC का जो बीमा क्षेत्र दोस्तों है ना यह 49% से बढ़ाकर कर दिया गया दोस्तों, आपका 74% कर दिया गया, कितना 49 से कितना कर दिया गया दोस्तों 74% कर दिया गया LIC का बीमा क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों LIC एक्ट कब आया दोस्तों, तो जो LIC एक्ट है दोस्तों वो आया था 1956 में। ठीक है, LIC एक्ट कब आया था दोस्तों, 1956 में आया था LIC एक्ट। ठीक है, अब बात करें इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो इसके चेयरमैन जो है दोस्तों MR कुमार है, कौन है, MR जो है MR कुमार इसके क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके जो अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ दोस्तों, इसके MD की बात करें तो इसके MD जो है दोस्तों ये कौन है, ये हैं दोस्तों इसके MD की बात करें तो मीना, ठीक है, IP कौन है दोस्तों, मीना IP जो है दोस्तों ये LIC के क्या हैं, मीना IP LIC के क्या हैं दोस्तों, आपके LIC के MD हैं दोस्तों। चेयरमैन कौन हो गए, MR कुमार हो गए, और LIC के MD कौन हो गए दोस्तों, मीना IP। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस दोस्तों पहला जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है दोस्तों कहाँ से कहाँ चला गया था दोस्तों, तो यह चला गया था विशाखापट्टनम से, कहाँ से, विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच में चला गया था पहला। ठीक है, विशाखापट्टनम से कहाँ तक, मुंबई तक चला गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस। राज्यसभा के सदस्य का नेता किसे चुना गया दोस्तों, तो जो पीयूष गोयल है दोस्तों इनको राज्यसभा के सदस्य का नेता चुना गया है। ठीक है, अब बात करें उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उद्योग जो परिसंघ है दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है दोस्तों वो है TV नरेंद्र, कौन है दोस्तों, TV नरेंद्र जो है दोस्तों है TV नरेंद्र, ये भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के क्या है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है, TV नरेंद्र। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा दोस्तों, अगर ये पसंद आता है दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा, और अगर नहीं पसंद आता है दोस्तों तो बाकी आपकी मर्जी, जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।